नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री कलीखो पुल ने की खुदकुशी, समर्थकों में भारी आक्रोश। दीप्ति सीएम के आवास के अंदर की तोड़फोड़, गुस्साई भीड़ ने मंत्री के आवास पर किया पथराव। आयरन लेडी रोम शर्मिला ने इंफाल में खत्म किया अपना अनशन। मणिपुर में अक्सपा के खिलाफ 16 साल से कर रही थी भूख हड़ताल, राजनीति में आने की जताई इच्छा। राज्यसभा में उठा कश्मीर हिंसा का मुद्दा, विपक्ष ने मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल दोपहर 2 बजे बहस कराने का दिया आश्वासन। गोरक्षकों और दलितों पर दिए गए अपने बयान से घिरे पीएम मोदी। हिंदू महासभा और शंकराचार्य ने जताई नाराजगी, गोरक्षकों पर लगाए गए आरोपों का सबूत मांगा। और बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस की अनोखी पहल, प्रमोशन लेने से किया इनकार। शराब के कारण थाना प्रभारी पर होने वाली कार्रवाई पर जताई आपत्ति। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलीखो पुल का शव उनके घर में पंखे से लटका मिला। 47 साल के कलीखो पुल के सुसाइड का संदेह जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कलीखो पुल ने रात को सुसाइड किया। उस वक्त उनकी पत्नी घर के दूसरे कमरे में थी। वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बावजूद अब भी सीएम बंगले में अपने 5 बच्चों के साथ रह रहे थे। कलीखो पुल की खुदकुशी के बाद उनके समर्थकों में भारी गुस्सा फैल गया है। नाराज समर्थकों ने दीप्ति सीएम के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। आवास के अंदर जाकर समर्थकों ने तोड़फोड़ भी की। गुस्साई भीड़ ने एक अन्य मंत्री के आवास पर पथराव भी किया। कलीखो पुल इस साल 19 फरवरी से 13 जुलाई तक अरुणाचल के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन अरुणाचल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। पिछले 16 सालों से अनशन कर रही रोम शर्मिला ने आज इम्फाल में अपना अनशन खत्म कर दिया है। उन्होंने जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए। मणिपुर की रहने वाली रोम का ये अनशन आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी AFSPA के विरोध में था। इस मौके पर रोम शर्मिला ने कहा कि मुझे आजाद किया जाए, मुझे अजीब सी महिला की तरह देखा जा रहा है। लोग कहते हैं राजनीति गंदी होती है, मगर समाज भी तो गंदा है। मैं सरकार के खिलाफ चुनाव में खड़ी हो जाऊंगी। मैं सबसे कटी हुई थी। मैंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर अमल किया है। मेरा जमीर कैद था, अब मुझे आजाद होना होगा। लोग मुझे इंसान के तौर पर क्यों नहीं देख सकते? मैं अपील करती हूं कि मुझे आजाद किया जाए। कुछ दिन पहले रोम ने अनशन खत्म कर राजनीति में उतरने का फैसला किया था। उनका मानना है कि वह अपने मुद्दों को अब राजनीति के जरिए उठाएगी। 44 साल की रोम ने शादी की भी इच्छा जताई थी। राज्यसभा में आज कश्मीर हिंसा का मुद्दा उठा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के हालात पर सदन में बहस करने और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। इस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि घाटी में हालात बेहद गंभीर है और अगर सदन चाहता है तो हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर मसले का हल सभी के सहयोग से ही होगा और इस मुद्दे पर उन्हें सदन में चर्चा कराने पर कोई आपत्ति नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि इस मुद्दे पर बुधवार को 2 बजे सदन में चर्चा होगी। गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में ये मांग भी उठाई कि सभी दलों के नेता घाटी जाएं और हालात पर काबू पाया जाए। गोरक्षकों और दलितों पर दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर हिंदू महासभा ने सख्त नाराजगी जताई है। महासभा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर गोरक्षकों को फर्जी बताने पर सबूत की मांग की है। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि हमने कल प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर जवाब मांगा है कि आपने जो कहा है कि 70-80% जो गोरक्षक है अराजक है, आप उसका प्रमाण दीजिए, सबूत दीजिए। कौन सी एजेंसी है जिसने आपको रिपोर्ट दी है? शुरू से हम गो भक्त है, गो पूजा करते हैं। गाय में सभी देवी देवता निवास सकते हैं। किसी भी आश्रम में जाइए, उन आश्रमों में साधु संत समाज भूखे रहता है, लेकिन गाय को भूखा रहने नहीं देता है। गोरक्षकों पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान से नाराज शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने उन पर निशाना साधा है। स्वरूपानंद ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर मोदी सत्ता में आए थे, लेकिन अब गोरक्षकों के लिए गोरख धंधे की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गोमांस का निर्यात बंद होने की उम्मीद थी, लेकिन आज बीजेपी शासित राज्यों से ही सबसे ज्यादा गोमांस का निर्यात हो रहा है, साथ ही सब्सिडी भी दी जा रही है। स्वरूपानंद ने देश में दलितों के साथ
रही घटनाओं के लिए भी केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। दलितों के उत्पीड़न और शोषण की घटनाओं पर बयान देने की बजाय मामले को गंभीरता से लेने की पीएम मोदी को नसीहत दी। साथ ही पीएम मोदी को बीजेपी से इस्तीफा देकर विकास के नाम पर चुनाव जीत कर आने की चुनौती दी। दिन दहाड़े अपहरण और हत्याओं से जूझ रहे बिहार की समस्याएं खत्म होती नहीं दिख रही है। अब नई समस्या यहां के पुलिस अधिकारियों का रवैया है। राज्य के पुलिस अधिकारी साफ कह रहे हैं कि उन्हें तरक्की नहीं चाहिए। 200 से ज्यादा पुलिस अधिकारी SHO का रैंक पाने के लिए दिए गए थानों का प्रभार ग्रहण करने से लिखित में इनकार कर चुके हैं। ऐसे राज्यों के शराबबंदी कानून के कारण हो रहा है। उसके तहत अगर कोई व्यसक व्यक्ति शराब का सेवन करता पाया गया तो उसके पूरे परिवार को दंडित किया जाएगा और साथ ही उन पुलिस वालों पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा जो कानून का पालन करवाने में लापरवाह पाए जाएंगे। नदी जतन पिछले हफ्ते 11 SHO या थाना प्रभारियों को 10 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने उपराज्यपाल नजीब जंग को सक्रिय राजनीति में आने की सलाह देते हुए कहा कि उपराज्यपाल साहब को कोई भी आदेश अधिकारियों को देने की बजाय मंत्रियों के जरिए देना चाहिए। दिल्ली सरकार में 7 मंत्रालय संभाल रहे सत्येंद्र जैन ने उपराज्यपाल के सचिवालय से सभी फाइलें मंगवाने वाले आदेश पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि अगर मौखिक रूप से ऐसे आदेश दिए तो ये असंवैधानिक है। सत्येंद्र जैन के मुताबिक उपराज्यपाल वायसराय की भाषा बोल रहे हैं और चर्चिल ने भी कहा था कि भारत को आजादी नहीं दी जा सकती, यहां के लोग अपना राज्य चला नहीं सकते हैं। मुझे लगता है वो चर्चिल या वायसराय की भाषा बोल रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को कल एक बड़ा झटका लगा। रिपब्लिकन पार्टी के 50 राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि ट्रंप अमेरिका के लिए खतरनाक राष्ट्रपति साबित होंगे और उनके राष्ट्रपति बनने से देश की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इन विशेषज्ञों में पूर्व वरिष्ठ खुफिया अधिकारी और पूर्व वरिष्ठ राजनयिक शामिल है। हालांकि ट्रंप ने इन विशेषज्ञों की राय को ये कहकर खारिज कर दिया है कि वॉशिंगटन में रहने वाले इस अभिजात्य को बताना चाहिए कि दुनिया आज इतनी बुरी स्थिति में क्यों है। इन सुरक्षा विशेषज्ञों ने अपने बयान में कहा कि हम में से कोई भी ट्रंप को वोट नहीं देगा। बॉलीवुड फिल्म मेकर और डायरेक्टर करण जौहर शादीशुदा है और उनकी 2 पत्नियां हैं। करण ने एक टीवी शो के दौरान बताया कि उनकी 2 पत्नियां हैं और वह उनसे काफी खुश है। करण फिलहाल एक रियलिटी शो में जज की भूमिका निभा रहे हैं। शादी के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी शादी टीवी और सिनेमा से हो चुकी है और वह इससे काफी खुश हैं। उनकी 2 पत्नियां हैं, टीवी उनकी 2री पत्नी है जबकि सिनेमा पहली। करण का कहना था उनके जीवन में फिल्म की तरह टीवी का भी काफी महत्व है। उन्होंने बताया ये टीवी को अपनी जिंदगी की 2री पत्नी मानते हैं जबकि सिनेमा को पहली। करण को जिस तरह से फिल्मों की चिंता रहती है वैसे ही वे हर हफ्ते अपने सीरियल की TRP मालूम करते हैं। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।